नाम क्या आपका? रानी कुमारी। कहाँ से आए हो? मिथियारवा आश्रम। अच्छा, ये जो आप कर रहे हो इसके बारे में कुछ बताओ कि किस तरीके से आपको किसने सिखाया है? एक्सरे, तो इनको दवाई जो होता है एक्सरे को, तो इनको लिया फेंक दिया जाता है उनको, हम लोग ले आकर इनको काट काट कर तब इसमें ऊन होता है, इनको लपेट लपेट कर तब इसमें ये बनाया जाता है ऐसा, तब बना कर इसमें लगाया जाता, तब बोतल जो हम लोग दवाई खाकर या पानी पीकर बिक देते हैं उनको इसमें ले आकर इसमें लगाया जाता है, इस तरह बनाया जाता है। साल भर से हम लोग बना रहे हैं, हम लोग गांव में अपने सीखते हैं। कौन आपको ट्रेनिंग कौन देता है ये सारी चीज़ें? हम लोग का घर पे। तो स्कूल में आपकी और भी लड़कियां इस तरीके के काम करती हैं? जी। क्या 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 मतलब इसके अलावा और क्या करते हो? जो हमारे स्कूल की बच्ची सब है वे गेट बनाती है, दौरा बनाने दौरा जो ढापा जाता है वो बनाया जाता है, दौरी बिनती है, गुलदस्ता बनाती है, झूमर बनाती है, ये सब बनाती है। मेरा नाम दीपेंद्र वाजपेयी है, हम लोग गांधी आश्रम भिथियारवा से आए हुए हैं पश्चिम चंपारण से। तो एक गांधी आश्रम के ठीक सामने एक विद्यालय बंद पड़ा था बरसों से, पहले खुला था लेकिन बंद था, तो 2 साल पहले हम लोगों ने गांव के लोगों के प्रयास से फिर उसको जो है शुरू किया है, और 20-25 हमारे साथ नवयुवक युवती जुड़ के हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चियों को। अभी 4 बच्चियों से शुरू किया था, अभी 300 बच्चियाँ हो गई हैं इस साल। गाँव की बच्चियाँ हैं, बहुत ही पिछड़े समाज की बच्चियाँ हैं, दलित बच्चियाँ हैं, हमारे विद्यालय में 95% दलित बच्चियाँ हैं, और थारू एक जनजाति होती है हमारे यहाँ उसके बच्चियाँ हैं। तो इनके आर्थिक का जो है प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी बच्चियों के पास ड्रेस हमारे नहीं है, तो फिर इसको कैसे जो है हम लोग जोड़ें, क्योंकि फी भी नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति उस तरह से नहीं है। तो गांधी दर्शन से डायरेक्टर सर गए थे, तो बच्चियों ने बनाया था गिफ्ट करने के लिए, तो सर ने कहा कि इसको जो है हम लोग जोड़ सकते हैं बाज़ार से, कि कैसे इसका जो है मार्केटिंग किया जा सके। तो उन्होंने एक मंच जो है कारीगर हाट उपलब्ध कराया, और इसका अच्छा जो है रिस्पॉन्स है यहाँ पे लोगों को, जो बेस्ट सामान है बच्चियाँ बना रही हैं, तो अगर इससे हम लोगों को मार्केट बाज़ार मिलता है तो बच्चियाँ इसका जो है करेंगी काम इस तरह से, और आर्थिक रूप से स्वावलंबी भी होंगी, तो पढ़ने में भी इनको फ़ायदा होगा, क्योंकि बाद में जो है गार्जियन इनकी पढ़ाई को जो है रोक देते हैं 8वीं के बाद, मैट्रिक के बाद। तो इस तरह से अगर आर्थिक रूप से स्वावलंबी होंगी तो फिर अपनी पढ़ाई का खर्च भी जुटा सकती हैं और विद्यालय को भी सहयोग कर सकती हैं। तो इसको जो है जैसे लोकल सब बेस्ट सामान है तो वहाँ आसानी से उपलब्ध है घर के आसपास ही, तो उससे जो है हम लोग मार्केट को जोड़ेंगे। तो गांधी जी का भी यही कहना था कि गाँव की चीज़ को जो है कैसे हम उपयोग कर सकें। इस तरह का जो है मंच पहली बार मिला है हमारे विद्यालय को और गांधी दर्शन के सौजन्य से मिला है, तो बहुत प्रयास हो रहा है कि कैसे इसको मार्केट में हम लोग, जो गांधी स्मृति का स्टॉल है वहाँ पे भी रखा गया है कि इसका क्या सेलिंग है कैसे है, तो उसके हिसाब से फिर बच्चियों को ऑर्डर मिलेगा और बच्चियाँ बनाएंगी, तो बच्चियाँ स्वावलंबी होंगी, तो बेटी अगर स्वावलंबी हो गई तो परिवार स्वावलंबी है, फिर समाज स्वावलंबी है, फिर राष्ट्र स्वावलंबी है, एक बेटी स्वावलंबी है तो पूरा परिवार समाज और राष्ट्र तीनों हो जाए। तो इसके इस्तेमाल के बारे में लोगों की अच्छी राय है और बिक भी रहा है, खरीद रहे हैं। हम चाहते हैं कि चंपारण सत्याग्रह शताब्दी का 100वां साल है, बिहार सरकार या भारत सरकार बच्चों का कौशल विकास के माध्यम से, क्योंकि गांधी जी का सपना भी था कि बुनियादी स्कूल में भी था कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है पढ़ाई, शर्म के साथ साथ पढ़ाई, तो शर्म तो अब उस तरह से नहीं रहा, उसकी कीमत नहीं रही, लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ अगर शर्म को जोड़ दें थोड़ा सा तो ज़्यादा उपयोगी हो सकता है। तो बिहार सरकार बिहार के बुनियादी विद्यालयों के साथ साथ हम ऐसे लड़कियों का जो विद्यालय है जो गाँव के सहयोग से चल रहा है, अगर यहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर, सिलाई मशीन इस तरह से उपलब्ध कराती है तो बच्चियाँ ज़्यादा सीख सकेंगी और अपना फिर जो है आगे भविष्य में उसका उपयोग कर सकती हैं।